हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम थर्मोडायनेमिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक के आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। चलो चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। कौन सी प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हीट ट्रांसफर के इक्वल होती है? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब डी यू डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन पी वी पी डी वी पी डी वी। और ये कब जीरो होगा? जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फोर्थ विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आपको बोला जा रहा है कि एक इंजन ऑपरेट होने टेम्परेचर लिमिट 900 केल्विन एंड टी केल्विन। ठीक है, तो एक इंजन में जहाँ सिंपल बना है, तो मैं सीरीज में ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो ये 900 मैंने सिंपल लिख लिया। ठीक है, और एक इंजन है कि यहाँ पर टी केल्विन का एक टेम्परेचर होगा। ठीक है, फिर जारी में कुछ ना कुछ वर्क में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं, अनोदर इंजन बिटवीन टी एंड 400 केल्विन। और दूसरा इंजन किस पर वर्क कर रहा है? टी इंजन लगा होगा 400 केल्विन पे, ये भी कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। फोर बहुत इक्वल एफिशिएंसी, ये आपको कंडीशन दे दी है कि इनकी इफिशियंसी क्या है, ये इंजन की और ये इंजन, फर्स्ट इंजन और सेकंड इंजन की इफिशियंसी क्या है, सेम है। तो बोला गया फाइंड द टेम्परेचर, टी टेम्परेचर को फाइंड करना। जब भी आपको इक्वल एफिशिएंसी दिया रहे, तो आपका जो टेम्परेचर होता है इंटरमीडिएट टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर के अरिथमेटिक टेम्परेचर के बराबर होता है, अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है। टी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में टी वन इंटू टी टू। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे इसमें जैसे हम वैल्यू पढ़ेंगे, टी वन क्या है? बिगर टेम्परेचर, टी टू है स्मॉलर टेम्परेचर। बिगर टेम्परेचर है 900 इंटू 400। जब इसका सॉल्यूशन करूंगा तो आपके पास 600 केल्विन इसका आंसर आएगा। तो 600 केल्विन अवर विल बी राइट, सेकंड विल बी अवर आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 600 केल्विन। ठीक है फ्रेंड, समझ में आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इफ़ ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर, एक कार्नोट साइकिल है वो ऑपरेट हो रही है, एक इसको अच्छे से मैं लिख लेता हूँ फिर से। एक कार्नोट साइकिल है वो 1800 पे ऑपरेट हो रही है, ये इंजन होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक लोअर टेम्परेचर होगा। ठीक है, है ना। व्हाट विल बी द हीट सप्लाई, तो कितनी अपन को हीट सप्लाई करना पड़ रहा है वो हमें बताना है, ये उतना वर्क करके देगा। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन में टी हायर। जब आप उस फ्रेंड इसमें वैल्यू पुट अप करोगे, टी लोअर टेम्परेचर 1000 है और हायर टेम्परेचर 1800 केल्विन, जैसे हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.04। एफिशिएंसी हमें मिल जाएंगी 0.44। ठीक है फ्रेंड, हमें निकालना कर क्या है, हीट सप्लाई। और आपको कंडीशन भी दी है, पर किलोवाट नेट आउटपुट यानी वर्क की वैल्यू हमें दे दी गई है 0। ठीक है फ्रेंड, हम सॉल्व करते हैं। तो एफिशिएंसी तो मैं निकाल चुका था, एफिशिएंसी तो हम निकाल चुके थे 0.44, ये एफिशिएंसी दी है ना। और आपको वर्क दिया है 1 किलोवाट। तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। आउटपुट क्या है? वर्क डन। आउटपुट क्या है? वर्क डन। और इनपुट है हीट सप्लाई। हम 0.44 और हमें ये 1 रखना है, किलोवाट 1 दिया हुआ है और हीट सप्लाई आपको निकालना है। तो आपको हीट सप्लाई की वैल्यू यानी 2.25 कुछ ना इसकी वैल्यू आएंगी, ये भी किलो वाट में आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका फोर्थ विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपका फोर्थ नंबर का आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये स्लाइड मैंने क्लियर की थी सॉल्यूशन करने के लिए। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एंट्रोपी चेंज डिपेंड हो, एंट्रोपी जो चेंज होती है किस पे डिपेंड करती है? तो फ्रेंड, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जो एंट्रोपी चेंज होती है, एक तो हीट ट्रांसफर पर डिपेंड करती है, प्लस इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण होती है। जो एंट्रोपी चेंज होती है किसके कारण होती है? एक तो हीट ट्रांसफर के कारण होती है और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का होती है। तो इस किसका आइटम क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर। ए विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन टू हैव द हायर थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कौन से इसमें सस्टेन की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हायर होती है? ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो ऑप्शन है, स्टीम, सॉलिड आइस, मेल्टिंग आइस एंड वाटर। ठीक है, तो सबसे जो हायर कंडक्टिविटी होगी वो सॉलिड आइस की होती है। फ्रेंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको सिक्वेंस बताऊँ जिसमें याद रखने के लिए, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है
ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है सॉलिड आइस की। मैं पेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ लिखता हूँ, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये सबसे ज़्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है सॉलिड आइस की, एक मिनट थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी वो होती है सॉलिड आइस की। तो मैं आपको सीक्वेंस बता दूँ जिसको याद रखना पड़ेगा, सॉलिड आइस सॉलिड की होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद होती है मेल्टिंग आइस की, फिर उसके बाद होती है वाटर की होती है, फिर उसके बाद जो होती है स्टीम की होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, सॉलिड आइस की होती है, तो आपको सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। आपको मास दिया है वाटर का मास दिया 1 kg फ्रॉम 0 degree टेम्परेचर, कहाँ कितना डिग्री, 0 degree टू सेचुरेट टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 0 degree सेल्सियस से टी सेचुरेट से कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा हूँ, गिवन कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइडेड। ठीक है, तो आपको बताना है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, कितनी हीट रिक्वायर। तो देखो आपको हीट बताना कौन सी हीट होंगी, तो सेचुरेटेड तो कोई हीट होती नहीं, ना ही एंट्रोपी कोई हीट होती। आपके पास दो आंसर बचे, लेटेंट हीट और सेंसिबल है। सेंसिबल हीट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है बस फेज चेंज नहीं होता, और लेटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता बस फेज चेंज होता। पर देखो यहाँ पर क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 degree सेल्सियस से 3 degree सेल्सियस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेंसिबल हीट। ये कौन सी हीट होंगी, सेंसिबल हीट। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ऑल गैसेज वी हैव आइडियली अंडर, जो इतनी भी गैसेज होती है वो कौन सी कंडीशन पे आइडियल बिहेव करती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो ऑल गैसेज बिहेव करती है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, तो इसका ए विल बी अवर राइट आंसर, लो प्रेशर कंडीशन एंड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, LPHT आप सिंपल याद रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपांड थ्रू ए वेरी मिनट एपर्चर देन सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, थ्रॉटलिंग। कभी हम नल को थोड़ा सा बंद करके चालू कर धीरे धीरे आते नहीं पानी, तो उसी टाइप से पूछा जा रहा है, इफ ए गैस इज अलाउड टू एक्सपांड थ्रू ए वेरी मिनट एपर्चर देन सच प्रोसेस इज नोन, इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है फिर अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। आपको बताना है मोलिकुलर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट किस किस का प्रोडक्ट होता है, तो हम जानते हैं गैस कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट की फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट अपॉन में मोलिकुलर वेट। कभी इसका मल्टीप्लाई में इधर करूँ तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा गैस कैरेक्टर कॉन्स्टेंट इंटू मोलिकुलर वेट, तो ये क्या है गैस कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट, तो ए गैस कॉन्स्टेंट और मोलिकुलर वेट का रेशो होता है प्रोडक्ट होता है। ओके फ्रेंड, तो हम अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज मेजर, टेम्परेचर ऑफ गैस किससे मेजर करता है किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूलर, तो सेकंड विल बी अवर राइट आंसर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी उसमें काइनेटिक एनर्जी होंगी, ये एक कंटेनर इसमें इस मॉलिक्यूलर होंगे इसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी होंगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो उससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, यही हमें बता रहा है टेम्परेचर मेजरमेंट। अब आगे देखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू मोर बॉडी एग्जिट व्हेन दे आर बोथ टुगेदर देयर इज नो चेंज, किसने थर्मल इक्विलिब्रियम करना है तो उनका क्या चेंज नहीं होना चाहिए, सिंपल प्रेशर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी है तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, तो उसका टेम्परेचर कभी कॉन्स्टेंट है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू गैस गे लुसिक लो फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास वेरी, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू गैस लो जो प्रेशर होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है किसे वेरी करता है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू होता है MRT। ठीक है, तो अकॉर्डिंग गैस लो में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो ये तो पहले से कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो पी प्रोपोर्शनल है टी, तो टी पी किसके प्रोपोर्शनल किससे वेरी कर रहा है टेम्परेचर से, ओनली क्या होगा
है। देखो उसमें टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इसके सिंपल हमने वॉल्यूम क्या है कॉन्स्टेंट रखा, तो इसका थर्ड विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टेम्परेचर ऑफ गैस इज द प्रोड्यूस ड्यू टू, जो गैस उसका टेम्परेचर होता है कैसे प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको पहले ही बात किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे प्रोड्यूस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम 14 नंबर का क्वेश्चन। द प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है वो होती है 3/2 फिर से मैं लिख लेता हूँ एक बार, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 पी वी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सोल्यूशन करेंगे तो 2E/3 ठीक है ना, पी वी अपना पर यूनिट वॉल्यूम की बात करनी है ना, वॉल्यूम भी इसके बटे में आ जाएगा, तो इसका सही आंसर कैसे हम 4th हो जाएगा, 2E+3। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस के, तो बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गाइस लॉ, गे लुसिक लॉ और ऑल ऑप्शन करें, तो ऑल ऑप्शन आ करें यानी सभी लोग इसके लिए होते हैं परफेक्ट गैस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूलर, काइनेटिक एनर्जी जो थ्योरी थी ना, जो काइनेटिक एनर्जी थ्योरी थी के ई इक्वल टू होता है 3/2, मैंने अभी फॉर्मूला भी लिखा था आर टी अपन में एन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, इसको पी वी, ये पूरी टर्म पी वी के बराबर भी होती है, ये जो टर्म होती है पी वी के बराबर भी होती है। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। द कंडीशन ऑफ ए परफेक्ट वैक्यूम दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन। ठीक है, तो इसका आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा, कंडीशन परफेक्ट वैक्यूम के लिए कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर -273.16 है ना, जीरो प्रेशर के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन सिस्टम इज वन, ओपन सिस्टम क्या होता है जिसमें मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर। तो पहला क्वेश्चन, मास डज नॉट ट्रांसफर, इस तो होता नहीं, नाइदर मास, ये भी नहीं होता, बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर, तो इसका ऑप्शन होता है थर्ड विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, हमें टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थर्मोडायनेमिक करेंगे, तो ये फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है फ्रेंड, कभी आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, देख।